मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रकृति ने प्रदेश को विद्युत ऊर्जा संभावनाओं से नवाजा है। आज तक देश में कुल 45,000 मेगावाट क्षमता का दोहन हुआ, जिसमें हिमाचल का योगदान 11,000 मेगावाट क्षमता का है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में उपलब्ध ऊर्जा संभावनाओं के दोहन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट ग्रिड तकनीक के माध्यम से बिजली की आपूर्ति को सुचारू बनाया जा सकता है तथा बेहतर ट्रांसमिशन सुविधाएं विकसित करके इससे संचालन व प्रबंधन के खर्च में भी कमी आएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के हिमाचल प्रदेश राज्य केंद्र और राष्ट्रीय कौशल विकास फोरम एवं निजी कंपनी के सहयोग से आयोजित हिमाचल ग्रिड के आधुनिकीकरण विषय पर आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश में लोगों को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति प्रदान करने और ग्रिड को और अधिक बेहतर और कुशल बनाने के लिए नई तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संस्था क्षेत्र के इंजीनियरों के कौशल विकास में अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि प्रकृति ने प्रदेश को विद्युत ऊर्जा संभावनाओं से नवाजा है। आज तक देश में कुल 45,000 मेगावाट क्षमता का दोहन हुआ, जिसमें हिमाचल का योगदान 11,000 मेगावाट क्षमता का है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में उपलब्ध ऊर्जा संभावनाओं के दोहन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक राष्ट्र एक ग्रिड का सपना है, जिसकी पूर्ति के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट ग्रिड तकनीक के माध्यम से बिजली की आपूर्ति को सुचारू बनाया जा सकता है तथा बेहतर ट्रांसमिशन सुविधाएं विकसित करके इससे संचालन व प्रबंधन के खर्च में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली भी उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए नई तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने ट्रांसमिशन लॉस को कम करने के लिए ट्रांसमिशन लाइनों के स्तरोन्नयन पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि आगामी बिजली परियोजनाओं से पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो आज एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें सारे इंजीनियर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इस वर्कशॉप के माध्यम से जो जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके साथ साथ में डिस्कशन के साथ साथ में हम टेक्नोलॉजी को आत्मसात करते हुए, उसको सहयोग लेते हुए अपने स्किल को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं और अपग्रेडेड स्किल के साथ जो है हम कैसे काम कर सकते हैं, बेहतर ढंग से काम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए ये इंस्टीट्यूट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और आज मेरा पहली बार यहाँ पर आना हुआ और मुझे इस बात की खुशी है कि आने वाले समय में इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से और भी जो चीज़ें जो बेहतर इंजीनियरिंग के फील्ड में जो खास तौर से जो हमारा हिमाचल प्रदेश में जो चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, चाहे हमारा ट्रांसमिशन का है उसमें, चाहे उसके ज़्यादा हाइडल सेक्टर में जितने भी हमारे NPWD ऑल्सो सबके साथ जो है उनके स्किल को अपग्रेड करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका ये इंस्टीट्यूट निभा रहा है।